So hello students and welcome to our channel Edu Entertainment. So students, आज हम करने वाले हैं AAA Similarity Criteria. दो triangles की similarity प्रूव करने के लिए हम इस criteria का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको बोलते हैं angle similarity criteria. Simply AAA Similarity Criteria. दो triangles को similar प्रूव करना है तो हम इस criteria का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्राइटेरिया का स्टेटमेंट क्या है वो मैं पढ़ लेता हूँ. इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. इस जो क्राइटेरिया है वो सिंपल है. अगर हम दो ट्राइंगल्स दिए हुए हम ये प्रूव कर ले ये करस्पॉन्डिंग एंगल है बी ए सी क्यू पी आर आर इक्वल, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ये प्रूव कर ले. फिर हम ये प्रूव कर ले कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और हम फिर ये प्रूव कर ले कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर. ये अगर ये तीन कंडीशन फॉलो होती है ये दो ट्राइंगल्स के लिए तो हम बोल सकते हैं बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दिस टू ट्राइंगल्स आर इक्वल. सो ये थ्योरम, ये क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हैं हम एक एग्जाम्पल को. इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इस एग्जांपल लिया हुआ जिसमें हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे. और ये दो ट्राइंगल को हमको प्रूव करना है पी ओ क्यू और ओ आर एस को हमको सिमिलर प्रूव करना है. हम इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे. ये हमारा मकसद होता है कोई भी थियरम, कोई भी क्राइटेरिया होता है कि हम उस थियरम का एप्लीकेशन क्या होगा. मैं चाहता तो इस थियरम का, इस क्राइटेरिया का आपको प्रूफ दिखाता पर बहुत लंबा हो जाता वीडियो. और इसका प्रूफ बहुत हार्ड भी नहीं है, इसका प्रूफ बहुत इजी है. इसको प्रूव करने के लिए बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल किया हुआ है. तो अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में आपको अच्छे से उसको प्रूव करके दिखाया हुआ है कौन सा थ्योरम का इस्तेमाल किया है, बीपीटी. अगर आप वो बीपीटी समझना चाहते हैं और उसका कन्वर्स भी समझना चाहते हैं, मैंने उसको दोनों थ्योरम भी बताया और उसको प्रूफ भी किया है. तो आप मेरा लिंक इन द आई बटन, आप वो मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. सो सिंपली इस वीडियो पे आते हैं और एग्जांपल पे आते हैं. क्या है कि इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस प्रूव दैट ये दो ट्राइंगल सिमिलर है. अब हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, पहले हमको क्या दिया हुआ है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद ही हम मैं जो बोल रहा हूँ वो सही होगा. तो एंगल है, मतलब तीन एंगल हमको, ये तीन एंगल, ये इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, ये तीन एंगल. अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वली हमको प्रूव करना है. इस डायग्राम को देखते हैं और ये दो लाइन पैरेलल है, इससे हमको पहले ही पता चल रहा है कि ये जो हो रहा है ये वर्टिकली ऑपोजिट हो रहा है. देखो पी ओ क्यू एंगल और एंगल आर ओ एस आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, क्यों बोल सकते हैं ये, क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. ठीक है, ये हमारा पहला हो गया. तीन एंगल्स को हमको सही प्रूव करना है कि तीनों एंगल्स, दो ट्राइंगल जो है सिमिलर, इसको प्रूव करना है उसका तीनों तीन एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है. ठीक है, अब ये ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को तो पी क्यू आर एस, देखो तो एंगल क्यू और एंगल आर भी इक्वल हो गए. कौन सा मैंने इस्तेमाल किया, अल्टरनेटिंग एंगल्स होगा. एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर एस, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है. तो उससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर, वाई बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, और एक अल्टरनेट एंगल्स बन रहा है, देखो क्यू पी एस और ये हमारा, और फिर पी एस आर से एंगल एस और एंगल पी की बात कर रहा हूं, ये भी दोनों अल्टरनेट एंगल्स है. तो P इक्वल्स टू एंगल S बिकॉज अल्टरनेटिंग एंगल्स. सो हम ये तीनों एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है. तो इससे क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर एंगल P, अरे ट्राइंगल पी क्यू ओ, और सॉरी पी क्यू ओ नहीं आएगा, पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर. अब इसमें ऑर्डर, इसमें ध्यान रखना है कि आपका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कौन सा ऑर्डर में मैंने लिखा ट्राइंगल को, इसको तो ये ट्राइंगल को बहुत सारे वे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू ओ भी हो सकता है, पी ओ क्यू भी हो सकता है,
ओपी क्यू भी हो सकता है। तो हमको क्या लेना है कि मैंने पी ओ क्यू लिया है, यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, फिर यहाँ पे जो आप सेट करेंगे उसके हिसाब से सेट करेंगे। एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल एस, तो यहाँ जहाँ पी है वहां एस आना चाहिए। एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ, मतलब ये हमने प्रूव किया है वो, तो ओ की जगह ओ आना चाहिए। और एंगल क्यू आर ये सिमिलर है। तो ये ऑर्डर ऑफ ट्राइंगल्स, ऑर्डर ऑफ लिखने का जो ऑर्डर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे तो आप कुछ भी लिख लेंगे, पर दूसरा जो ट्राइंगल जो सिमिलर है उसका ऑर्डर आप कैसे लिखेंगे कि ये दोनों एंगल, ये आप एस एल पी एस ओ आर लिख रहे हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा कि पी और एस एंगल इक्वल है, ओ और ओ एंगल इक्वल है, क्यू और आर एंगल इक्वल है। तो ऑर्डर ऑफ इसका ट्राइंगल में नेमिंग में ऑर्डर का आप ध्यान जरूर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।